हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में गैलियस थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड द फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑटो मॉर्फिज्म ग्रुप्स। ओके, सो ऑटोमॉर्फिज्म आपको पता है कि इज ए मैपिंग, और इस मैपिंग का जो डोमेन है और को डोमेन है वो सेम रहेगा। साथ में वो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, वन वन होनी चाहिए, ऑन टू होनी चाहिए। ठीक, सो अगर हमारे पास लेट ई वी एन एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ, ठीक, तो जो ग्रुप बनेंगे उनको हम डिनोट करेंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई एज ए ग्रुप, एज ए ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑन, सॉरी, ऑन फील्ड ई। व्हाट दिस मीन? इट मीन्स दैट इसके अंदर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई इज अ सेट सेट होगा, और इसके अंदर जो होगा वो एक मैपिंग्स होंगी, और ये मैपिंग्स क्या करेंगी? ग्रुप बनाएंगी। ठीक, और मैपिंग्स कैसी होंगी? जिनकी मैपिंग जो होगी वो ई टू ई होगी, और साथ में ये होमोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म के साथ वन वन होगा, एंड ऑन टू। ठीक, सो दिस इज ए ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप एंड इट इज डिनोटेड बाई ई। ठीक, वन मोर नोटेशन, इट मीन ग्रुप का, आपको ग्रुप का तो पता है ना कि इस तरह की बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होंगे जिनका डोमेन कोडोमेन सेम होगा, और सारी ग्रुप की जो कंडीशंस है वो फुलफिल करेगा ये सेट। ठीक, तो मतलब एक एलिमेंट लिखा है तो इस तरह के तो कई एलिमेंट्स होंगे, तो सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री सारे होल्ड करेंगे, और आइडेंटिटी एग्जिस्ट भी करेगी, हर मैपिंग का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, दैट यू नो। वन मोर थिंग कि वन मोर नोटेशन, एंड दैट इज वी डिनोट वाई जी ई वाई एफ। ठीक, ई जो है वो एफ की एक्सटेंशन है, एंड इसमें भी ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई। तो इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ? इसमें भी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई है। ठीक, बट इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि लिविंग ईच एलिमेंट ऑफ एफ फिक्स्ड। इट मींस दैट कि अगर एक ऑटोमॉर्फिज्म मैं लेता हूं, जैसे ये ई ले लिया, सिग्मा ले लिया, अगर मैं यहां पे एक एलिमेंट लेता हूँ ई से, ठीक है, अब ऑब्वियस है ई जो है वो एफ की एक्सटेंशन है। अगर ये हमारा एफ है तो ये हमारा ई है। और डेफिनेटली ये एलिमेंट, दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे, अगर ये एलिमेंट एफ में भी हो सकता है और
एफ से बाहर भी हो सकता है। तो इसमें क्या बोला है कि ईच एलिमेंट ऑफ एफ इज फिक्स्ड, इट मीन दैट अगर ये ए एफ को बिलोंग करता है तो ए जो आएगा वो ए ही आएगा, तभी फिक्स हुआ ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। लेकिन अगर यहां पे कोई एलिमेंट और ले लेते हैं, जैसे बी ले लिए सपोज करो, तो इट विल बी एल्स, कुछ और आएगा, जो बी नहीं आए, कब, जब ये बी जो है नॉट बिलोंग्स टू एफ आएगा, देन दिस नॉट बिलोंग्स टू एफ। जब एफ को बिलोंग नहीं करेगा तो किसको बिलोंग करेगा ये, इट डेफिनेटली इट विल बिलोंग्स टू एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट मीन्स ई माइनस एफ, इट मीन दैट यहाँ पे होगा, ठीक, क्योंकि एलिमेंट तो ये दोनों के दोनों ई से आएंगे, क्योंकि इन जो सिग्मा है, सिग्मा का जो डोमेन है वो डेफिनेटली ई टू ई जाएगा, क्योंकि जो ऑटोमॉर्फिज्म है ओवर ई, पर ई की ब्रेकिंग है ना, ई के अंदर एफ भी होगा और कुछ एक पार्ट ऐसा होगा जो एफ से बाहर होगा, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, ठीक। सो यहाँ से एक चीज वेरी क्लियर हो रही है कि जो हमारे पास ये जो हम नया ग्रुप लिख रहे हैं जी ई वाई एफ इज सबसेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई, ये इसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, जिस तरह जो भी मैपिंग्स बनेंगी ऑटोमॉर्फिज्म में, उसमें सारी होल्ड करेगी, चाहे वो एफ के एलिमेंट को फिक्स करें या ना करें। लेकिन जो ये वाली जो नोटेशन यूज कर रहे हैं हम जी ई ओवर एफ, इसमें वही ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे जिसमें एफ फिक्स्ड होगा। इट मीन दैट जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई हुआ, एक बड़ा सेट हुआ और ये एक इसकी रिस्ट्रिक्शन होगी। सो दैट्स वाई जो जी ई ओवर एफ, इट विल बी सबसेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई। अच्छा, वन मोर थिंग, आप ये सबसेट तो है बट यू कैन वेरीफाई दैट, यू कैन नॉट फॉर्म में लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कि ये जो सेट है ऑटोमॉर्फिज्म में ई ओवर एफ जी ऑफ ई वाई एफ इज ए सब ग्रुप, इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई। तो ये आप प्रूव कर सकते हैं आगे। प्रूव करने का तरीका आपको बताइए कैसे करते हैं। आप सब ग्रुप में दो एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पे आप सिग्मा वन सिग्मा टू दो एलिमेंट्स ले लो आप जी ऑफ एफ से, और फिर आप ये प्रूव कर दो कि जी टू इनवर्स जो है वो भी इसमें बिलोंग करेगा, ठीक। तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि इट इज सब ग्रुप ऑफ दिस, सिंपल डेफिनेशन से। वन मोर थिंग, द ये जो ग्रुप है, जो ये ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बन रहा है जी ई वाई एफ, इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रुप ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ई। तो इस ग्रुप को हम एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई भी बोलते हैं। ओके, वन मोर थिंग कि अब हम आगे जब भी हम एक्सटेंशन की बात करेंगे, तो एक्सटेंशन की बात करेंगे तो ऑलवेज हमारे पास फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन होगी। सेपरेबल एक्सटेंशन की बात करेंगे, कभी भी हम इनफाइनाइट एक्सटेंशन की बात नहीं करेंगे। अगर होगा तो वो हम स्पेशली मेंशन करेंगे, इट इज इनफाइनाइट एक्सटेंशन। और ये जो फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ली और साथ में
उनके जो ग्रुप बनेंगे, जो ग्रुप्स ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म तो हम ओनली इन पे ही डिपेंड करेंगे, ऑलवेज हम ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप की बात करेंगे और फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन की बात करेंगे। जैसे कुछ हम चेंज इसमें करेंगे तो हम इसको मेंशन करेंगे पर्टिकुलरली। तो कीप इन माइंड जब भी हम एक्सटेंशन की बात करेंगे दैट विल बी फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन, और जो भी ग्रुप्स होंगे वो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप होंगे ऑफ दीज एक्सटेंशन। ओके, वन थ्योरम, पहले ही थ्योरम, फिर हम इसका एग्जांपल करेंगे कैसे हम ये ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले एक थ्योरम करते हैं, वेरी सिंपल, लिखिए दिस स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज इफ ई इज ए फाइनाइट सेपरेबल extension of a field F, then जो order होगा, order of F homomorphism group will be less than equal to extension या dimension of E over F, very very important theorem, जो order of group of automorphism होगा वो always less than equal to dimension of E होगा over F। तो इसका proof की बात करते हैं, देखिए proof में क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन कि ई इज ए फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है, और हमें पता है कि जो फाइनाइट वी नो ए फाइनाइट सेपरेबल जो एक्सटेंशन होती है इज ऑलवेज सिंपल। ठीक, ये रिजल्ट हमने प्रूव नहीं करा है, इसको हम जब हम फाइनाइट फील्ड्स का टॉपिक करेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, बट फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन इज ऑलवेज सिंपल। अगर ये सिंपल है, अगर ये आपका एक्सटेंशन है और ये सिंपल होगा, तो सिंपल का मतलब होता है कि जो ई जो है दैट विल बी जनरेटेड बाई ए सिंगल एलिमेंट। सो एफ तो हमारे पास है ही है, सो एफ के साथ एक रूट अटैच होगा और उससे जो फील्ड बनेगी दैट विल बी ई, क्योंकि ये सिंपल है एंड डेफिनेटली दिस अल्फा बिलोंग्स टू ई। ओके, अब ये एक्सटेंशन हमारे पास सिंपल था तो डेफिनेटली एक ही एलिमेंट से जनरेट होगा और कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि जो अल्फा है ई को बिलोंग कर रहा है, इसका मिनिमम पॉलीनोमियल ले लेते हैं, लेट पी ऑफ एक्स वी द मिनिमल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर एफ। ठीक, और साथ में इसकी डिग्री मान लेते हैं हम, एंड देन तो एफ अल्फा का डायमेंशन ओवर एफ इज इक्वल टू डेफिनेटली क्या आएगा, डिग्री ऑफ जितनी इस डिग्री अल्फा की मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री है वही डायमेंशन आएगी
ई लिख लो या एफ ऑफ अल्फा लिख लो, एक ही चीज है। सो एंड लेट्स से ये मान लेते हैं इसकी डिग्री जो है वो एन है, ठीक। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करेंगे, एंड आई डोंट नो कितनी बार हमने ये रिजल्ट यूज करा है। मैं इसको लिखने की बजाय यहाँ से उठाता हूँ पहले। तो ये देखो, ये वाला जो रिजल्ट है, हम इसको रिजल्ट को आगे कॉपी कर लेते हैं। तो इस रिजल्ट का यूज हमने बहुत बार करा है। देखो क्या रिजल्ट बोलता है ये, कि हमारे पास अगर एफ एक फील्ड है और ई उसका एक्सटेंशन है, ठीक, और मैपिंग है एक सिग्मा ई टू एफ टू एल, ठीक है, एफ टू एल एक मैपिंग है, पी है इम्बेडिंग ऑफ एफ इंटू ए एल्जेब्रिकली क्लोज्ड एल, और ये एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड है एल, देन ई इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फाइट, बट दिस मीन इट मीन दैट इट इज सिंपल सिंपल फील्ड। तो हमारे केस में भी इट इज सिंपल फील्ड, सो ई इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, वी एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ, देन सिग्मा कैन बी एक्सटेंडेड टू एम्बेडिंग नीटा ई टू एल, ठीक। अगर ई हमारे पास जो सिग्मा था वो हमारे पास एफ टू एल है, और एक एग्जिस्ट करती है फील्ड जो सिंपल फील्ड है एफ ऑफ अल्फा, तो वहां पे एक नई एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी, नई एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी इस मैपिंग की। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है उसका डोमेन बढ़ जाएगा, है ना, डोमेन ऑब्वियस यहाँ पे डोमेन इंक्रीज हो गया, सो दैट इज ये हो गया, ठीक। अब ये बात कर रहे हैं, ये जो लेमा है ये बात करते हैं कि इस तरह की कितनी एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेंगी। हमने ये प्रूव भी करा था, सो नंबर ऑफ सच एक्सटेंशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा। तो जितना इस अल्फा के मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे उतने ही एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर सपोज हमने यहाँ सपोज करा हुआ है कि इसके अल्फा के जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है वो एन है, तो अब हमें ये पता नहीं कि इसके जो पी ऑफ एक्स के जो रूट हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं या रिपीटेड भी है। डिग्री तो पता है हमें एन है, ठीक, पर जितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे पी ऑफ एक्स के, अगर सपोज करो इसके डिस्टिंक्ट रूट्स एम होते हैं, ऑब्वियस एम जो होगा वो एन से कम होगा, इसका मतलब कुछ रिपीट कर रहे हैं रूट। तो इस तरह से एक सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री, सो ऑन सो करके सिग्मा एम इतनी एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी, दैट मैपिंग फ्रॉम ई टू एल, तो इतनी एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेंगी यहाँ पे जितना पी ऑफ एक्स के डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक। आई आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम इसको यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखो पहली बात है कि यहाँ पे जो हमारे पास मैपिंग है सिग्मा, वो सिग्मा हमारा ई टू एल गया, ठीक, ई टू एल, एफ टू एल था, ये एफ टू एल है, ठीक। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारे पास मैपिंग है, डेफिनेटली एफ के एलिमेंट को तो फिक्स करता है ना ये, कि अगर सिग्मा ऑफ, जब नई हमारे पास फील्ड बनेगी ईटा ई टू एल, ये वाला जो एक्सटेंशन है, ठीक, और अगर हम सिग्मा को यहाँ पे, सिग्मा को मान लेते हैं कि ये आपका आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैपिंग है, ठीक है, आइडेंटिटी मैपिंग है, इट मीन दैट जो भी एलिमेंट एसोसिएट होगा वही एलिमेंट वापस आएगा, डोमेन यहाँ पे एफ है। इट मीन्स दैट जब इसकी एक्सटेंशन हो गई,
नीटर टू ई हो गया। तो यहाँ पे जो अब नई जो एलिमेंट एसोसिएट होगा, तो नीट ऑफ ए जो है वो ए ही आएगा जब एक्स जो है वो अल्फा से आएगा, एफ से आएगा, और ईटा ऑफ सम एलिमेंट जो आपका एफ को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि बी का बी आना, वो फिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर इतना तो क्लियर है कि जब एलिमेंट आपका एफ से आएगा तो वो उसको क्या करेगा, ये फिक्स करेगा। ठीक, सो हमारे पास यहाँ पे इट मीन्स दैट ये जो नीटा है, नीटा जो आपका ई टू एल बिलोंग कर रहा है, मैप कर रहा है ई टू एल, तो हम इस नीटा को जिसमें ये नीटा जो है वो एफ के एलिमेंट को क्या करेगा, क्योंकि एक ये चीज है कि जो हमारे पास ओरिजिनल ओरिजिनल मैपिंग है और जो उसकी एक्सटेंशन है, तो जो ओरिजिनल एम्बेडिंग का जो नेचर है वो हमारी जो एक्सटेंशन आएगी वो उस नेचर को तो वो कैरी करेगा ही करेगा। तो इट मीन दैट अगर यहाँ पे एफ एफ पे फिक्स हो रहा था तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वो नीटा पे भी वो होल्ड करेगा। तो हम नीटा को यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो नीटा को हम कंसीडर कर सकते हैं इज मैपिंग फ्रॉम ई टू ई, और ये जो नीटा है ये डेफिनेटली क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, और ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो ये नीटा ऑफ अल्फा, नीटा जो है दैट बिलोंग्स टू जी ई ओवर एफ, ये इसको बिलोंग करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। उसके बाद अब देखो यहां पे हम इस पॉइंट पे वापस आ जाएं कि इसकी एक्सटेंशन, तो इसकी जो डायमेंशन है वो एन है, इसका मतलब डिग्री जो है वो एन है। अब हम बात आते हैं कि ये जो नीटा एग्जिस्ट, नीटा जो बिलोंग कर रहा है इस एफ ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप को, इसके अंदर कितने इस तरह के मैपिंग एग्जिस्ट करेंगी। तो यहां से क्लियर सी बात है कि ये लेमा क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सच एक्सटेंशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ अल्फा। इट मींस दैट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप ई ओवर एफ दैट विल बी इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू एन, इक्वल टू एन। क्यों? अगर पी ऑफ एक्स के सारे रूट अगर डिस्टिंक्ट हुए तब तो हो जाएगा एन, तब तो एन के बराबर आ जाएगा। अगर इसके रूट्स रिपीटेड हुए तो रिपीटेड वाले हम निकाल देंगे, वो उसको वन टाइम ही काउंट करेंगे, और जितने भी रूट्स होंगे वो डेफिनेटली एन से कम आएंगे। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि दिस ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म दैट इज जी ऑफ ई बाई एफ इज लेस देन इक्वल टू एन, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज dimension of e over f। तो यही हमने प्रूव करना था। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस। सो यहां से हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया कि जब भी हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन होगी ऑफ ए फील्ड f, तो हमारे पास ये जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होगा उसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ। चलो अब कुछ एक एग्जांपल इस पे करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड
example is, just a minute, find automorphism group G C Y R, ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे C आपका क्या होगा, C कॉम्प्लेक्स फील्ड होगी और R जो होगा वो रियल फील्ड. सो C एंड R आर फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड रियल रिस्पेक्टिवली. तो हम यहाँ पे अब यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि इस ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म में कैसे एलिमेंट होंगे. तो सबसे पहले डेफिनेटली हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सी में डेफिनेटली आपको पता है कॉम्प्लेक्स की तरह के नंबर होते हैं, ए प्लस आयोटा बी, एंड ए और बी जो होंगे वो आपकी रियल नंबर्स होंगे. ठीक, सो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारे पास जो एलिमेंट है ये ए और बी जो होंगे वो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे. सो इसमें सबसे पहले ये आपको क्लियर है, और हम ले लेते हैं लेट एक एलिमेंट ले लिया हमने इस ग्रुप में. इस ग्रुप में क्या होंगे, मैपिंग्स होंगी. तो मैंने एक सिग्मा ले लिया और देन सिग्मा, डेफिनेटली ये सिग्मा आपका कहाँ से कहाँ मैप करेगा, सी टू सी मैप करेगा. ठीक, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है तो डेफिनेटली सी टू सी में मैप करेगा. एंड यहाँ पे सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा ए, कब कब आएगा ये, जब ये ए जो होगा वो रियल नंबर होगा. क्यों, अभी हमने डिस्कस करा कि इसमें इस मैपिंग में जो एफ का जो एलिमेंट है वो ऑलवेज फिक्स रहेगा, उसमें चेंज नहीं आती है. तो एफ यहाँ पे रियल नंबर है, तो डेफिनेटली जब ये ए रियल नंबर होगा तो सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू ए आएगा. तो इट मीन दैट इस पूरे एलिमेंट, इसका एलिमेंट ले हम, ये पूरा एलिमेंट ले, देन व्हाट विल हैपन, सिग्मा ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू, अब ऑब्वियस है ये आपका होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म तो होगा. वी कैन राइट लाइक दिस, और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट का हम ये लगा सकते हैं, तो वी कैन राइट लाइक दिस दिस वे. ठीक, तो सिग्मा ऑफ ए डेफिनेटली ये रियल नंबर है तो ये ए आ जाएगा, और सिग्मा ऑफ आयोटा ये कॉम्प्लेक्स है तो इसके बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते. ठीक, और यहाँ पे सिग्मा ऑफ बी जो है वो बी आ गया. तो नाउ हमें अब ये बात चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहाँ से हमने एक नंबर लिया, अब वो कितने नंबर को मैप करेगा, एक को करेगा, दो को करेगा, तीन को करेगा, कितने को करेगा वो देखना पड़ेगा. ठीक, तो सब तभी पता चलेगा जब इसकी हम वैल्यू निकालें. ठीक, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो, वी नो दैट माइन वी हैव माइनस जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर आता है. ठीक, और माइनस वन आपका रियल नंबर भी है, तो अगर मैं इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करूंगा
तो माइनस वन ही आ जाएगा एंड दैट इक्वल टू सिग्मा ऑफ आयोटा स्क्वायर। दोनों तरफ हमने सिग्मा अप्लाई कर दिया। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी सिग्मा आयोटा स्क्वायर को हम ऐसे भी ले सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा और दिस इज इक्वल टू माइनस वन है, तो इस तरह से ले सकते हैं इसको। और होमोमॉर्फिज्म है तो डेफिनेटली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बन गया सिग्मा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इट विल बी प्लस माइनस एंड दैट इज नथिंग व्हाट इट इज प्लस माइनस आयोटा। इट मीन्स दैट जो एलिमेंट हमने ऊपर लिया सिग्मा ऑफ ए प्लस आयोटा बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया इसकी, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यूज कर देंगे तो इसकी वैल्यूज आई प्लस माइनस आयोटा। सो वी कैन राइट प्लस माइनस आयोटा बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट के लिए दो के लिए मैप कर रहा है, तो इट मीन दैट जो मैंने ये बना बनाया इट मीन दैट यहाँ पे एक एलिमेंट लिया लेकिन वहां पे कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, दो एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक, तो इट मीन्स दैट जो डायमेंशन हुई इट मीन्स दैट It means that order of, therefore, order of g of c y r is equal to 2. क्यों? क्योंकि क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी less than equal to dimension of c over r। और ये आपको पता है dimension of c ओवर आर जो होती है वो टू होती है, तो ये इक्वली आ गया क्योंकि हर एलिमेंट के लिए क्या मिल रहा है, एक एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो इट मीन दैट देयर इज देयर ऑर्डर ऑफ जी ऑफ सी ओवर आर इज इक्वल टू टू। सो डेफिनेटली यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करी। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी कि किस तरह से हमने इसको करना है। तो वन मोर एग्जांपल एंड दैट इज फाइंड एग्जांपल टू, फाइंड ग्रुप ऑटोमॉर्फिस ग्रुप ऑफ क्यू ऑफ थर्ड रूट ऑफ टू, इसको पावर में लिखता हूं टू रेस टू पावर वन बाई थ्री वाई क्यू। और आपको पता ही है वेयर क्यू जो है वो हमारा इज द फील्ड फील्ड ऑफ रैशनल्स। ठीक, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो 2 रेस टू पावर 3 का मिनिमम पॉलिनोमियल क्या होगा? ठीक, सो डेफिनेटली सभी को पता है, आपने ये पढ़ा होगा टॉपिक मिनिमम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो एक्स क्यू माइनस 2 इज ए मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ 2 रेस टू पावर 1 बाई 3 ओवर क्यू। ठीक, सो डेफिनेटली यहाँ पे डायमेंशन, यहाँ से डायमेंशन हमें पता है, डायमेंशन ऑफ क्यू ऑफ 2 रेस टू पावर 3 ओवर क्यू इज नथिंग बट इट इज 3, क्योंकि यहाँ पे डिग्री इसकी 3 है। अगर डिग्री इसकी 3 है therefore, also, अब क्यू ऑफ इसकी जो बेसिस है हैज बेसिस 1
2 1 by 3 and 2 raised to power 2 by 3. This is इसका मतलब है कि q of 2 by 1 by 3 में जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे, कोई भी एलिमेंट होगा तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा. सो a, जैसे पिछले वाले में हमें पता है कि उसके दो एलिमेंट होते हैं, सो a प्लस आयोटा भी उसके डायमेंशन आपको हम पहले पता था. तो यहाँ पे a इसके साथ हो गया प्लस b इंटू टू रेस टू पावर वन बाई थ्री प्लस c इंटू टू रेस टू पावर टू बाई थ्री, और सारे सारे ये जो एलिमेंट्स हैं a b c एंड देट बिलोंग्स टू q. सो इस तरह के एलिमेंट्स आए. अब हमने क्या करना है, एक ऑटोमॉर्फिज्म लेना है इस सेट से और हम इस पे अप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे कितने एलिमेंट आने हैं. ठीक, सो लेट सिग्मा ले लिया, सिग्मा बिलोंग्स टू q 2 बाई 3 बाई q, यहां से मैं ले लिया और ये अप्लाई करते हैं इस पे. देन क्योंकि इसका जो डोमेन होगा वो यही होगा, ठीक, दैट इज सिग्मा इज मैपिंग फ्रॉम q 2 रेस टू पावर 1 बाई 3 टू q रेस टू पावर ये ऐसे. ठीक, सो देन अगर इसका है तो इसका एलिमेंट तो हमने पहले लिख रखा है, ये एलिमेंट इस तरह से होगा. सो सिग्मा ऑफ a प्लस b रेस टू पावर 2 बाई 3 प्लस c 2 रेस टू पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू, अब होमोमॉर्फिज्म होगा तो ये अलग अलग लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, एंड प्लस सिग्मा ऑफ b सिग्मा ऑफ 2 रेस टू पावर 1 बाई 3 प्लस सिग्मा ऑफ c एंड सिग्मा ऑफ 2 रेस टू पावर 2 बाई 3. ठीक, अब ऑब्वियस है जो ये एलिमेंट जो रैशनल नंबर है तो इनको ये फिक्स करेगा, फिक्स करेगा मतलब a का a ही आएगा, ये भी रैशनल नंबर है तो ये आपका b का भी आएगा, सिग्मा 2 1 बाई 3 प्लस, और यहाँ पे c का c आएगा एंड दैट इज सिग्मा 2 रेस टू पावर 2 बाई 3. तो अब हमारा काम है इसको इसको फाइंड आउट, फिर पता चलेगा कि इसका बाकी डायमेंशंस कितना आएगा. सो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम, देखो नाउ हमें पता है कि अगर 2 रेस टू पावर 1 बाई 3 का पावर हम 3 करेंगे तो ये 2 आएगा. ठीक, तो अगर दोनों तरफ हम सिग्मा अप्लाई कर दें, सिग्मा 2 रेस टू पावर 1 बाई 3 इस पे सिग्मा अप्लाई करें तो यहां से हमारे पास देखो 3 आपका बाहर आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि तीन बार लिख सकते हैं इसको, फिर वो अलग अलग लिखा जा सकता है, तो पावर में चला जाएगा पावर 3. और ये तो हमारा क्या कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर है, सो इसको फिक्स करेगा तो सिग्मा ऑफ 2 इज 2 ही आ जाएगा. तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ 2 रेस टू पावर 1 बाई 3 का क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब रूट ऑफ कितना आएगा आपके पास, सो दैट विल बी डेफिनेटली एक 2 आएगा, 1 बाई 2 आएगा, 2 रेस टू पावर 1 बाई ये आएगा और साथ में 1 बाई 3 ओमेगा आएगा एंड ओमेगा स्क्वायर. तो ये तीन रूट्स आएंगे, तीन वैल्यूज आ रही है इसका. सो इसका मतलब है कि या तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी या इसके बराबर होगी या इसके बराबर होगी. ठीक, बट तो सीधी सी बात है कि ओवर क्यू है तो ये तो चला गया ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तो इस फील्ड में है ही नहीं. ठीक, ये जो फील्ड है, ये वाली जो फील्ड है जो कोडमेन है उसमें तो एग्जिस्ट करते नहीं. इट मीन्स दैट जो सिग्मा ऑफ 2 रेस टू पावर 1 बाई 3 है वो 2 रेस टू पावर 1 बाई 3 के बराबर आएगा, एंड सिग्मा 2 रेस टू पावर 1 बाई 3 है दैट नॉट इक्वल टू, इसके इक्वल भी नहीं आएगा और ये
इसके इक्वल भी नहीं होगा। ठीक, सो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि हेंस क्यू ऑफ या जी ऑफ टू क्यू ऑफ टू रेस टू पावर वन बाई थ्री वाई क्यू इज इक्वल टू आप देखो इसकी जो डायमेंशन थी पहले इस डायमेंशन को लिखा नहीं हमने इसको लिख लेते हैं वैल्यू वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी वहां पे यहाँ पे जो एलिमेंट था सिग्मा ऑफ दिस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो व्हाट वी गेट इसका मतलब यहाँ पे अगर हम सिग्मा रेस टू पावर टू बाई थ्री लिखेंगे तो वो भी क्या आएगा टू रेस टू पावर टू बाई थ्री है सो इसका मतलब हो गया कि सिग्मा ऑफ हमारे पास क्या था ये ए प्लस सिग्मा ऑफ ए प्लस टू रेस टू पावर वन बाई थ्री बी प्लस टू रेस टू पावर टू बाई थ्री सी दैट इक्वल टू ए प्लस बी टू रेस टू पावर वन बाई थ्री बी प्लस ए रेस टू पावर टू रेस टू पावर टू बाई थ्री सी सो यहाँ से ये क्लियर हो गया हमारे पास कि जो एलिमेंट हम एसोसिएट करेंगे वही एलिमेंट बाहर आ जाएगा तो एक वन टू वन हुआ तो अब लिखेंगे इसको जो डायमेंशन इसका ऑर्डर आएगा ऑर्डर ऑफ जी ऑफ टू रेस टू पावर वन बाई थ्री ओवर क्यू दैट विल बी वन ठीक और वो डेफिनेटली उसको होल्ड कर रहे हैं इट इज लेस देन इक्वल टू थ्री क्यू थ्री जो थी वो क्या थी डायमेंशन ऑफ क्यू ऑफ वन बाई थ्री टू बाई थ्री टू रेस टू पावर वन बाई थ्री ओवर क्यू सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया हाउ टू फाइंड दिस automorphism groups so thank you for watching this lecture if you have any doubt you can ask me I hope you enjoy it okay take care yourself